अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 22 दैट इज़ अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी आपके ढांचे के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर आप अपने ढांचे को देखें तो इसके अंदर सवाल आ सकते हैं कि टोटल कितनी हड्डियाँ हैं। तो आपके ढांचे के अंदर 206 हड्डियाँ हैं जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट में मौजूद हैं। आप अपने ढांचे के दो मेन जो पार्ट्स हैं, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आपके ढांचे को डिवाइड कर दिएगा दो हिस्सों में, एक अपेंडिकुलर है, एक एक्सियल स्केलेटन है। पेज नंबर 61 पे अगर आप देखें तो दोनों की कलर बना के अलग-अलग आपको शो किया गया है। एक वन इज़ पिंक कलर, अदर इज़ ब्लू कलर। तो जो आपका पिंक कलर दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन है और जो आपका ब्लू कलर है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो आपके ढांचे के दो मेन पार्ट्स हैं, नंबर ए है एक्सियल स्केलेटन और नंबर टू है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आपका जो एक्सियल स्केलेटन है इसको 500 में, इसमें टोटल 80 देयर आर 80 बोन्स, इसके अंदर 80 हड्डियाँ हैं। पांच पार्ट्स। पहला पार्ट अगर आप देखें तो दैट इज द स्कल। दूसरा पार्ट अगर आप देखें, स्कल के बाद आपके कानों की हड्डियाँ मिडल ईयर ओसिकल। तीसरा हायोइड बोन है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस तरह आपके कंपोनेंट्स के पांच हिस्से हो गए। स्कल के अंदर अगर आप देखें तो आपके स्कल के अंदर टोटल 22 हड्डियाँ आती हैं। उन 22 में से 14 हड्डियाँ आपकी फेशियल बोन कहलाती है, फेशियल मीन जो आपके चेहरे की हड्डियाँ हैं, और 8 आपके करेनियल बोन कहलाती हैं जो कि आपका खोपड़ी बनाती हैं। उसके बाद अगर आप देखें आपके कानों के अंदर देयर आर 6 मिडल ईयर ओसिकल्स, यानी कानों के अंदर भी 6 हड्डियाँ मौजूद हैं, तो 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। उसके बाद अगर आप देखें आपकी गर्दन की जो हड्डी है दैट इज़ कॉल्ड हायोइड बोन, वो 1 है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम को अगर आप देखें तो 26 हड्डियाँ हैं। इसका मतलब है तो 26 बोन्स हैं। द चेस्ट इज़ मेड ऑफ चेस्ट बोन, तो दरमियान में एक हड्डी मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं स्टर्नम। इसमें कुल मिला के 80 हड्डियाँ आपके एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद हैं। अब उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, इसमें 126 हड्डियाँ हैं, 126। पेक्टोरल गिर्डल आपके जो आपका जो शोल्डर आर्म में 4 हड्डियाँ, आपके हर बाजू के अंदर 6 हड्डियाँ, आपके दोनों हाथों को मिला के 54 हड्डियाँ, आपके पेल्विक गिर्डल हिप्स के अंदर भी 2 हड्डियाँ मौजूद हैं। उसके अलावा आपकी लेग के अंदर 6 हड्डियाँ और आपके दोनों पाँव के अंदर भी 6 हड्डियाँ मौजूद हैं। इट्स मीन कि टोटल जो हड्डियाँ आपकी बनती हैं 206 हैं। 200 में तकसीम की है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल की 80 और अपेंडिकुलर की 126 हड्डियाँ, 126। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आप कहें दैट इज़ द थाई बोन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है, ग्रुप ऑफ एंड्रियस वेसिलियस। तो एंड्रियस वेसिलियस वो शख्स था इसने सबसे पहले मॉडर्न एनाटॉमी का स्टार्ट किया, एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट किया और उस डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया, इसलिए उसको बानी कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अगर आप बात करें तो आपकी बॉडी में के अंदर वो ऐसा जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं जॉइंट कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट आपकी बॉडी में मौजूद हैं, एक इमूवेबल है, उसके बाद स्लाइटली मूवेबल है, उसके बाद मूवेबल है। इमूवेबल की अगर आप बात करें तो आपकी जो खोपड़ी के अंदर हड्डियाँ मौजूद हैं, स्कल के अंदर दैट आर इमूवेबल। और स्लाइटली मूवेबल की अगर बात करें तो आपकी वर्टिब्री के अंदर जो आपकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो थोड़ी सी मूवमेंट होती है, उससे ज़्यादा आप स्लाइड नहीं कर सकते। उसके बाद मूवेबल जॉइंट्स हैं, मूवेबल जॉइंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसकी दो मेन टाइप अगर आप देखें, एक हाइन जॉइंट्स है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हाइन जॉइंट्स वो होते हैं जैसे दरवाज़ा एक दो सिमत में मूव कर सकता है,
वैसे हाइंड जॉइंट भी दो से मध्य में मूव कर सकते हैं, जैसे आपकी नी है और इससे आपका एल्बो, यानी आपका घुटना और आपकी एल्बो, दे आर द हाइंड जॉइंट्स। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर आप बात करें, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आपके शोल्डर की हड्डियाँ और आपके हिप की जो हड्डियाँ मौजूद हैं, दे आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिकॉज दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो ये पेज नंबर आपकी डायरीज में होगी 60, 61, 62। एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसको अभी, ताकि आपको दोबारा इसके बारे में, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन के व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड्रियस वेसिलियस। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पेज नंबर 60 पे, एंड्रियस वेसिलियस इज ऑनर्ड फॉर डिवेलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज। वेसिलियस वॉज बोर्न इन ब्रसल्स बेल्जियम। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटॉमी बेस्ड ऑन द स्टडीज मेड बाई डायसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज। हिज बुक कंटेन द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द होल स्केलेटन एंड मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें, द 206 बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इन टू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस i.e. exoskeleton to which appendicular skeleton is attached. Exoskeleton consists of 80 bones in the head and trunk of body. It is composed of 5 parts. Skull contains 22 bones, out of which 8 are cranial bones, enclosing the brain, and 14 are the facial bones. Facial means aapka chehra. There are 6 middle ear ossicles, 3 in each. Har kaan mein 3 haddiyan. There is also a hyoid bone in the neck, gardan ki haddi. Vertebral column contain 26 bones. Vertebrae, the chest is made of chest bone called sternum and 12 pair ribs. Appendicular skeleton ki baat karein, is a composed of 126 bones. Pectoral girdle is made of 4 bones. Arms have 6 bones. Both hands have 54 bones. Pelvic girdle hips have 2 bones. Legs have 6 bones. Both feet have 54 bones. Question side पे the longest bone in our body is the thigh bone. उसके बाद types of joints अगर आप देखें, joint की definition, what is joint? A joint is the location at which two or more bones make contact. They allow movement and provide mechanical support. Joints can be classified on the basis of the degree of movement they allow. Immovable joints, such joints allow no movement, e.g. joints between the skull bones. Slightly movable joints, such joints allow slight movement, e.g. joint between the vertebrae. Movable joints, they allow a variety of movements, e.g. shoulder joint, hip joint, elbow joint, knee joint, etc. There are many types of movable joints in body. The main types are hind joints and ball and socket joint. Hind joints move back and forth like the hinge on a door. जैसे दरवाजे को आप ओनली दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे हमारे ये joints भी ऐसे ही मूव करते हैं, in one plane only. The knee and elbow are the hind joints. Ball and socket joints allow movement in all direction. The hip and shoulder joints and ball and socket joints. तो ये आपके हाइंड जॉइंट्स के अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। मूवमेंट इनमें मुख्तलिफ तरीके से होती है। डायग्राम आपने इसमें बनाने की कोशिश करें, मुश्किल डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 61 के ऊपर। अगर आप ढांचे की डायग्राम बना सकते हैं तो उसको बना के आपको इसके नंबर ऑफ बोन्स याद रह जाएंगी, कोशिश करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जब आप लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग के अलावा 2-3 शॉर्ट भी आते हैं, इसका मतलब है आप इस चैप्टर में से 10-12 नंबर का पेपर आता है। तो इसको आपने डायरी बता रहा हूँ, उस डायरी लिखें आप पेज नंबर 60, 61, 62। पेज नंबर डायरी है जी आपकी 60, 61 और 62। आरपी भी करें, एक आपने इसकी आरपी करनी है, लर्न करना है इसको, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे आसान चैप्टर आपका बुक का यही है, इसको अच्छी तरह कर लें, बिकॉज टाइम आपके पास नहीं है। जब स्कूल खोलेंगे तो फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह करें, याद करके लिखें और किसी को सुना दें तो बेहतर है।
ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 23 में।